रायपुर मौसम विभाग के तरफ से ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कैसा रहेगा मौसम। आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में कैसा रहेगा मौसम, किस क्षेत्र में भारी बारिश होगी, कहां पर अति भारी बारिश होगी और मौसम ने किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है, इन सभी की डिटेल हम आपको आज इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। तो क्या है आज का पूर्वानुमान, तो हम आपको बताएंगे कि हवा की गति किस जिले में अधिक है, कहां पर कम है और साथ ही किन क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है और किस क्षेत्र में बिजली गिरने के साथ वज्रपात होने की संभावना जाहिर की गई है, इन सभी की डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो इससे पहले दोस्तों बात करते हैं तापमान की। तो दिन में अधिक तापमान वाला क्षेत्र है सूरजपुर जिला, जहां पर 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है। इसी के साथ बात करें दिन में न्यूनतम तापमान की, तो वो है सुकमा जिला, जहां पर 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगी। रात में तापमान की बात करें तो सभी जिलों में मोस्टली 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगी। हवा की गति की बात करें तो सबसे अधिक सूरजपुर जिले में हवा की गति रहेगी, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बाकी जिलों की बात करें तो बाकी जिलों में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अब ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना है, तो वो है जांजगीर चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, दंतेवाड़ा, कोरिया और बलरामपुर। इन सभी क्षेत्रों में बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना है। अब बूंदाबांदी से थोड़े से ज़्यादा बारिश होने वाला क्षेत्रों की बात की जाए तो वो है सूरजपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, जगदलपुर, कोंडागांव और बीजापुर। इन सभी क्षेत्रों में बूंदाबांदी से थोड़े से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अब उन जिलों की बात करते हैं जहां पर गरज चमक या बिजली गिरने की संभावना है, तो वो है कवर्धा, जसपुर, बेमेतरा, अंबिकापुर, गोरेला पिंडा, मरवाही जिला। इन सभी क्षेत्रों में आज गरज चमक या बिजली गिरने की संभावना जाहिर की गई है। अब इसी के साथ बात करते हैं जिन क्षेत्रों में बादल छाया रहेगा, तो वो है कोरबा, रायगढ़, धमतरी, महासमुंद, कांकेर और नारायणपुर जिला। इन सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है, तो जिलों के नाम हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, तो इसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल सीजी 36 न्यूज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मौसम से जुड़ी और अन्य जानकारियां मिलती रहे। तो जहां पर भारी बारिश होने की संभावना है वो क्षेत्र है अंबिकापुर, जसपुर, गोरेला पिंडा, मरवाही जिला, गरियाबंद, कवर्धा और सुकमा। इन सभी क्षेत्रों में आज भारी बारिश की अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ये रही दोस्तों छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के मौसम से जुड़ी जानकारियां। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, ताकि आपके भी जिले से जुड़ी सभी जानकारियाँ दे सके। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।